जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में दो अपडेट होंगे। पहला अपडेट अप्रैल के महीने में जो नई ट्रेन आएंगी उसके बारे में होगा, और दूसरा अपडेट ट्रेनों में जो एक्स्ट्रा कोचेस लगाए जाते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों हमारा भारतीय रेल हर साल जब छुट्टियों का सीज़न आता है कुछ ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाता है। इस बार मरुधर एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाकर कल ही अपलोड कर दिया था। आने वाले दिनों में भारतीय रेल और भी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस लगाएगा। जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी पहुँचाता रहूँगा। अप्रैल के महीने में कौन कौन सी नई ट्रेन आ रही हैं जिनमें आप यात्रा कर सकते हैं, आइए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ट्रेन नंबर 08587 बनारस विशाखापट्टनम समर स्पेशल, ये ट्रेन 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। बनारस से ये ट्रेन शाम को 6 बजे हर गुरुवार वाले दिन चला करेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी क्लास के कोचेस लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेन नंबर 01033 मुंबई सीएसटी नागपुर एसी स्पेशल, ये ट्रेन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मुंबई सीएसटी से ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन हर मंगलवार और शनिवार वाले दिन रात में 12 बजे चला करेगी। ये ट्रेन लगभग 15 घंटे 12 मिनट की यात्रा के बाद नागपुर दिन में 3:32 पर पहुंचेगी। ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में आप यात्रा कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रेन नंबर 02109 मुंबई सीएसटी हावड़ा एसी स्पेशल 16 अप्रैल को चलाई जाएगी। मुंबई सीएसटी से ये ट्रेन शनिवार वाले दिन शाम को 5:15 पर चलेगी। इस ट्रेन में भी थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी क्लास के कोचेज लगाए जाएंगे। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01050 अर्नाकुलम पुणे स्पेशल, ये ट्रेन 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अर्नाकुलम से ये ट्रेन रात में 11:25 पर चला करेगी हर शुक्रवार वाले दिन। पुणे ये ट्रेन रात में 2:45 पर पहुंचा करेगी। ट्रैवल टाइम लगभग 27 घंटे 20 मिनट का रहेगा। इस ट्रेन में आप स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में यात्रा कर पाएंगे। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 08312 कोयम्बटूर संबलपुर स्पेशल, ये ट्रेन 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। कोयम्बटूर से ये ट्रेन हर शुक्रवार वाले दिन दिन में 12 बजे चला करेगी और ट्रेन का ट्रैवल टाइम लगभग 33 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और संबलपुर ये ट्रेन लगभग रात में 9:15 पर पहुंचेगी। ट्रेन में आप स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में अपने टिकट अभी से बुक कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए भी भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को शुरू किया है। ट्रेन नंबर 04072 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली गति शक्ति स्पेशल, ये ट्रेन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हर शनिवार वाले दिन इस ट्रेन को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शाम को 6:30 पर चलाया जाएगा। इस ट्रेन के सभी कोचेज थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के रहेंगे। और इसी प्रकार ट्रेन नंबर 04071 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा गति शक्ति एक्सप्रेस, ये ट्रेन 14 अप्रैल से शुरू हो गई है और ये ट्रेन नई दिल्ली से हर शुक्रवार वाले दिन रात में 11:15 पर चला करेगी। ट्रेन में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के कोचेज में आप यात्रा कर पाएंगे। इन सभी ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके भारतीय रेल और भी नई ट्रेनों को शुरू करेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग भारतीय रेलवे 400 से भी ज़्यादा समर स्पेशल ट्रेनों को या फिर कह लीजिए स्पेशल ट्रेनों को चलाएगा इस बार गर्मियों के सीज़न में। अगर आप सभी ट्रेनों के जोन वाइज जानकारी चाहते हैं कि किस जोन में कितनी ट्रेन चलेंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा एक पूरे डेडिकेटेड वीडियो के जरिए आप लोगों तक पूरी जानकारी उन सभी ट्रेनों के बारे में ज़रूर पहुँचा दूँ। फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।